कैसे आप लोग उम्मीद है सकते हैं जैसे मैं हूँ इमरान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज आज जब मौजूद हैं आचार्य जी में छः रोड की एक्सट्रेट लोकेशन के लिए शायद करीब सर यहाँ का अस्सलाम वालेकुम सर अच्छा सर पहले तो लोकेशन बता दीजिएगा। लोकेशन ये है कि अचार गली सर्च करेंगे आप अचार गली ना गूगल मैप पे तो दक्कन अचार घर आ जाएगा उसके ऊपर। और इसके अलावा जो है अगर आप लोकेशन बताना चाहते हैं ऐसे लोकेशन भी बताए कन्फर्म ताकि लोग जी चौरंगी के पास आके आप कॉल कर के नाम है आ जाए गली के अंदर और इधर जो है अचार गली के अंदर अचार गली के नाम से मशहूर है गूगल मैप पर मौजूद है आप अचार गली आप आ जाए अचार गली दक्कन अचार घर पे विजिट कीजिएगा। दक्कन अचार घर है ये दक्कन अचार घर जो आज से नहीं 1950 से रन कर रहा है और ये मेरी दादी ने स्टार्ट किया था फिर मेरी दादी और दादा ने स्टार्ट किया था तो एक छोटा टेबल लगा हुआ था इसके आगे और दो बाल्टियाँ रखी थी उन्होंने जमाने की बाल्टियाँ भी कैसी होंगी आप लोगों को पता नहीं मर्दान होते थे वो तो वो थे और क्या नाम है कुछ मर्दान ये शुरू होते होते थे वालिद साहब ने ये दुकान को इतना बड़ा किया अब हम लोग रन कर रहे हैं। आदमी तकरीबन मुझे भी 25 साल हो गए इसको और आज मैंने मुख्तलिफ चैनल से मुख्तलिफ शोज़ में अपने जो ब्रांड है उसके हवाले से मुख्तलिफ रेसिपीज शेयर की हैं लोगों के साथ और काफ़ी चीज़ें बनाना सिखाई हैं उसके ऊपर जो मौजूद हैं मेरे ऊपर ठीक है। जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो चीज़ें हैं जो आए यहाँ पर मौजूद हैं वो हम चीज़ें दिखाते जाऊँगा आ जाएँ ये हैदराबादी बघारे बैगन ठीक जो अब मैंने रेसिपी है हैदराबादी मेन हैदराबादी ये हैदराबादी क्यूजिन है हैदराबादी बघारे बैगन ये हमारी दावत जैसे हैदराबादी खाने होते हैं हैदराबादी लवाजमा तो उसकी मेन आइटम है कच्चे गोश्त की बिरयानी के साथ यूज़ किया जाता है ठीक है। और इसका जो इस्तेमाल हम लोग खुशका कहते हैं चावल को जो खुशका चावल होते हैं ना उसमें बहुत मज़ेदार यमी का टेस्ट आता है सही। और ये तंदूरी रोटी के साथ नाम जो होता है उसके साथ बहुत मज़े का लगता है उसमें टाइपोलॉजी खट्टा सालन होता है हैदराबादी ठीक है सर। इसके अलावा मिर्चों का सालन है इसी तरह का होता है मिर्चों का सालन है मैं आपको दिखाता हूँ ये मिर्चों का सालन हैदराबादी खट्टा ठीक है। इनके प्राइस भी बता दे रहे हैं ताकि अच्छा है कुछ आइडिया होता है ये 250 ट्रे है मतलब वो टू अभी 250 की है ये भी 250 की है। इसके वेट वगैरह कितना होगा आधा किलो हाफ के जी हाफ के जी ठीक है। ये भी मेन आइटम है हैदराबादियों का हैदराबादी लवाजमान के बगैर इसके बगैर खाना हैदराबादी बिरयानी अधूरा है कुछ भी फजूल है सब बेकार हो जाता है। हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी होती है जो हमारे ऑर्डर्स पर तैयार होती है मुख्तलिफ कैटरर्स का ठीक है। और इसके अलावा मुख्तलिफ अचार है लहसुन का आइए देख लेते हैं अंदर चलते हैं लहसुन का अचार लहसुन का अचार है हैदराबादी ठीक है देसी लहसुन से बनता है और बिल्कुल लहसुन आप देख लें इसके अंदर जवे लहसुन देसी लहसुन है ऐसे ऐसे फ्राई करते हैं लहसुन के अचार के साथ लहसुन को फ्राई करके बनाते हैं ठीक है सर ठीक। और इसे मैंने मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ शोज में बना के दिखाया है ठीक है लाइव अगर अभी करीब मैं आप ही के चैनल पर इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मेरा यूट्यूब चैनल आ रहा है आपके चैनल पर भी काफ़ी चीज़ें बना के बिल्कुल बिल्कुल सर हाँ व्हाट्सअप ही कर देगा मैं ताकि फिर इंशाल्लाह बनाऊंगा फिर आपको दिखाऊंगा ठीक है प्लीज़ ठीक है। और आइए और क्या दिखाएंगे सर और इसके अलावा क्या नाम है मुख्तलिफ चटनी है ठीक है आलू बुखारी चटनी है आम की चटनी है धनिया पौधी ने की है लहसुन लाल मिर्ची की है ठीक और आगे डबल का मीठा स्वीट डिश हैदराबादी को भी आप ठीक है डबल का मीठा दिए हैदराबादी स्वीट डिश होती है डबल का मीठा अच्छा ठीक है ये शाही टुकड़े की तरह होता है इसमें अभी हम खोया छीन रखते ये खोया जो है ना ठीक ख़राब कर देता है घी का वो खमीर आ जाता है खट्टापन आ जाता है ठीक तो हम लोग इसके बीज तैयार करके रखते हैं आप घर में ले जाएं फ्रेश क्रीम डालें इसके अंदर खोया डालें ठीक। मैं ज़्यादातर हमारे जो घर में जो इस्तेमाल होता है मेरे घर में ऑलपेयर की फ्रेश क्रीम ऑलपेयर ऑलपेयर क्रीम और कुमैल ठीक है कंडेंस मिल्क वो डाल के इसको इस्तेमाल करना और बहुत ही वीआईपी टेस्ट है। इसे क्या प्राइस है और उसे कितना वेट है ये आधा किलो का पैकेट है ठीक है 200 का है 200 रुपीज़ ठीक है सर। और दिखाई ताहिर साहब कुछ कुछ खास दिखाई हमें और आइटम आपको दिखाऊं आइए हैदराबादी मिर्ची है पकौड़े प्याज के पालक के पकौड़े ये हैदराबादी आइटम है मेन हैदराबादी चीज़ है ये ठीक है। इसके अलावा चटनी दिखा दो मतलब काउंटर पर आ गए आप आइए ठीक
गोल्डन आलू बुखारा जो है ना, आलू बुखारा की चटनी है। सही। अच्छा, इसका टेस्ट जो है बिल्कुल डिफरेंट है आम चटनियों से। एक होती है इसमें गंदारी आलू बुखारे की, ठीक, ये बनती है इनामी आलू बुखारे की। गंदारी आलू बुखारे की भी आपको चटनी दिखा रहा हूँ मैं, उसका कलर जो है ना डिफरेंट होता है, हल्का ब्लैकपन ब्लैकिश आता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंट है कलर में, कॉस्ट में भी तकरीबन बहुत डिफरेंट है, ठीक है। 250 की बॉटल है, ये 400 की बॉटल है। अच्छा अच्छा, हाफ के जी से तकरीबन ज़्यादा ही होता है, 600 ग्राम करीब बॉटल है, ठीक ठीक है। इसके अलावा पापड़ है, सारी चीज़ें, पापड़ जो हैदराबादी चीज़ों में जो है इस्तेमाल होते हैं, हैदराबादी खानों के साथ दाल चावल खट्टी दाल पापड़ वगैरह, ठीक है। तो मेन आइटम ये है, ये मूँग माश की दाल के पापड़ हैं, ये मूँग की दाल के हैं, ये माश के जीरे वाले पापड़ हैं हैदराबादी, ये कचौरी पापड़ हैं सारे, ये आलू के पापड़ हैं, मुख्तलिफ आलू फ्लेवर्स के पापड़ होते हैं, ये दादी जान के पापड़ आते हैं, ये साहब बनाते हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो बना के हमारे पापड़ हैं। ये सामने तो फ्रंट में कोई अच्छी चीज़ें पड़ी आपके पास, ये देखने आ जाएँ, आ जाएँ फ्रंट। ये आंवला है, आंवला जो मुरब्बा जिससे बनता है, ठीक है, अचार भी बनता है इससे, हम लोग अचार भी तैयार करके देते हैं लोगों को। इसके अलावा ये लहसुन सिरका है, ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए बहुत फायदेमंद है, नारियल अंदर से थोड़ा सा देख देते हैं, अंदर से आ जाओ ये लहसुन सिरका। अच्छा, लहसुन सिरका है, ठीक है। ये इस तरह की पोजिशन होता है, ये देसी लहसुन से बनता है, VIP। क्या इसके प्राइस है? और ये 250 की बॉटल है, ये आप जो है सुबह के टाइम लोग अक्सर करते हैं जी, सुबह नारमू लहसुन खा लिया, ठीक है, नारमू लहसुन कभी ना खाएं, ठीक है, इसके जो तेज वो है ना आपका असर हो जाएगा नारमू से, ठीक ठीक ठीक। आप इसके साथ एक तरीके का है लहसुन का खाने, इसमें 4-5 जवे निकाल लें, ठीक है, रोटी के अंदर रखें, जो खाने के लिए आप अंडे डबल रोटी ब्रेड इस्तेमाल करें अंडे के साथ, ठीक है, उसके अंदर लहसुन रखें और निवाला बना के खाएं, सही, ठीक, 4 जवे 4 निवाले में ख़त्म कर दें, उसके बाद आप अपना रूटीन का इस्तेमाल खाना खाना, ठीक है। तो लोग इस्तेमाल करते हैं कि लहसुन इसको जो है अल्लाह भला करे उठाया बस खाना शुरू कर दिया, उनको नहीं पता इसकी एक ज़्यादा तेज़ी है लहसुन के अंदर की, जो लहसुन जो है ना आप अल्लाह भला करे ताज़े लहसुन में भी है, ठीक है, सके में ताज़े लहसुन में, तो आपका जो ना सिस्टम जो मैदे का सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है, वजह ये कि सुबह नारमू आपका बिल्कुल फ्रेश, ठीक, आपने 4 दाने 6 दाने लहसुन के खा लिए तो नुकसान कर जाता है, नुकसान कर जाता है, ठीक है। आपको तरीकेकार मैंने आपको समझा रही है, लहसुन खाने का असल तरीका ये है कि आपने हर निवाले के साथ एक जवे का लहसुन का दाना, जवा जिसे कहते हैं, ठीक, दाना इसका लहसुन का इस्तेमाल करें, ठीक। तो अंदर चल के देखते हैं कौन कौन सी को आपके पास वैरायटी है। आप ये देखें, ये सर्दियों का आइटम है, तिल की चटनी, हमारी तिल की चटनी बनती है, ये सर्दियों में होती है हमारे पास, ठीक है, तिल की चटनी। अच्छा, ये तिल जो नॉर्मल नॉर्मल तिल की हैदराबादी चटनी होती है, इसे आप थोड़ा सा इसमें पानी मिला लें, पानी मिलाने के बाद इसको जो है प्याज काटें बारीक बारीक, ठीक है, और इसके अंदर मिक्स करके प्याज और ये जो है खिचड़ी के साथ बेहतरीन, जैसे आपके मूंग की दाल की खिचड़ी बन गई, फिर आपका छोले का पुलाव बन गया, ठीक है, इसको चीज़ों के साथ खाई जाती, ठीक है। आइए, और क्या दिखाएंगे सर भाई साहब, कुछ वो पैक वगैरह कुछ बने हुए आपके पास, पैक वगैरह भी पड़े हैं? ये सालन ही है पैक, जैसे आपके मुख्तलिफ कैटर्स हैं कराची के, ठीक है, काफ़ी मेरे कैटर जो है ना पाते हैं, बोलते हैं भाई यहाँ पे हमें अपने क्यूजन में रखने, तो ये पैक की थैलियाँ, ये थैलियाँ जो है ना सालन की, क्या क्या वेट है इनके? ये बच्चों का सालन नहीं, ये बघा रहे पैकेट 200 पर ईच पैकेट है। अच्छा, 500 पर केजी, मतलब काफ़ी पैकेट है, ठीक है, ठीक है। और अंदर कुछ विजिट आएंगे? आ जाए, इधर भी आ जाए, मज़ूम कर लें, लोग मज़ूम पे सारे लगे हुए, मुख्तलिफ खाने के बता दूँ, ये इमली का अचार है, कच्ची इमली का अचार है, ले लें इसको, जूम ले लें, ठीक है, ये कच्ची, उसके ऊपर नींबू का अचार लगा हुआ है, ठीक, ऊपर जो अपना हाँ लेमन का अचार, ये मिक्स अचार है, ये जी, ये जो सिसाइड लगा हुआ है ये रहा, राइट, ठीक है। अच्छा, ये नीचे मुरब्बे हैं सारे, ओके, अभी मुरब्बे मैं आपको निकलवाता हूँ, सारे मुरब्बे बेटा इधर निकालिए, ये मैं अपने खुद बनवाता हूँ, स्पेशल मुरब्बे हैं जो मुख्तलिफ, ठीक है सर, मैं आपको दिखाता हूँ सारे मुरब्बे, यहाँ तकरीबन 105 वैरायटी है मेरी। अच्छा, तकरीबन मिला के पड़ जाती है पापड़ ये वो सब चीज़ें मिला के 105 के करीब वैराइटीज हैं, तो आज से नहीं वाली साहब के ज़माने से रन कर रहे हैं। ये गाजर का मुरब्बा है, ठीक है, क्या वेट है इसका, वेट कितना है? 450 ग्राम की बोतल है ये, 300 रुपीज़, ठीक है। ये सेब का है, ठीक है, हार्ट के लिए बेहतरीन फ़ायदेमंद, सेब का। अच्छा, ये आंवला है, ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद है, फ़ायदेमंद आमला तो बहुत फ़ायदेमंद है, और एक हल्का मुरब्बा होता है वो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको,
ये हड़ीर का मुरब्बा, हड़ भी कहते हैं, हड़ीर भी कहते हैं, पंजाबी में लहजे में मुख्तलिफ कहते हैं। ये जो है इसका जो है अल्लाह वाला करे बदहज़मी, मैदे में मसला, इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और आपका क्या नाम है, हाथ में कभी फ़ायदेमंद बहुत, मतलब मैं रोज़ तकरीबन एक दाना इसका आमले का मुरब्बे का रोज़ खाता हूँ। ठीक है, इतने मज़ेदार चीज़ है। इसे हल्का सा पानी खोलें, मेरे को हल्का टैबलेट इसका शुगर है तो मैं धोके इसको गर्म पानी में निकाल देता हूँ, फिर निकाल के इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, नेमनी जबान में से कीड़ा कहते हैं, ढेला कहते हैं पंजाबी में, ये प्याज सरके में है। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ शौक़ हैं जो मुख्तलिफ तरीके से बनाना खाना चाहते हैं। जैसे लोग तेल नहीं खाना चाहते हैं तो इस सरके के आइटम खाते हैं। ये हो गया, ये प्याज आंवला हो गया सरके में। तो इनके वेट क्या क्या है? मुख्तलिफ रेट हैं, जैसे टेंट है ये 300 रुपये की बॉटल है, 300 रुपये। ये 1 kg। अच्छा, 1 kg है, 300 रुपये का। ये लेमन है, ये आपका अल्लाह भला करे जमेरी जो नींबू होता है ना वो है, ये देसी नहीं है, ये देसी नींबू अलग है। ठीक है, ये इमली का चार है, कच्ची इमली का किलो की जार में, ये 300 रुपीज़ पर जार है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये चटनी है 12 मसाला, आम की नौरतन चटनी, खट्टी मीठी। ठीक है, इसके अलावा 12 मसाला की चटनी है, ये एलिपिनो है, ये मिर्ची है, ये काट के आप मुख्तलिफ सॉसेस में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, ऑनलाइन सर्विस वगैरह के क्या है? ऑनलाइन का ये कि अभी मैं आपको नंबर दे दूँगा, आप इसको डिस्क्रिप्शन। ठीक है, नंबर वैसे बता भी दें ताकि 0348297923। ठीक है, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पर भी है, आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो कॉल करके। और लिस्ट जो है आप इसे प्रोवाइड हो जाएगी, लिस्ट आपको हेलो करूँगा।